गुड मॉर्निंग बच्चों। और देखो ये वीडियो ओल्डर स्टूडेंट के लिए, जो बच्चे 10th क्लास की एग्जाम दे रहे हैं आगामी जुलाई में, जिनके संभावित है शिक्षा मंत्री के अनुसार, शिक्षा मंत्री के वक्तव्य के अनुसार, जिनके जुलाई में प्रस्तावित जो एग्जाम है उनके लिए। एक लड़का था विवेक कुमार, उसने कॉमेंट किया था कि सर हमारे को जैसे 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 वाला समझाइए, तो उस बच्चे के लिए देखो ये डाउट, इसलिए क्वेश्चन में यहां समझा रहा हूं। यानी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखो, 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए। देखो 16 को कितने भागों में मालूम बांटना है, दो भागों में बांटना है। इसको बांटना है 16 को, 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का दुगुना। यानी कि जब क्वेश्चन में यहां पर आपको क्या दे रहा था कि बड़े भाग के वर्ग का दुगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, देखो बड़े भाग के वर्ग का दुगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो इसके जो मेन लैंग्वेज है इसी को आपको पकड़ना है, मेन लैंग्वेज को। क्वेश्चन में ध्यान दे रहा है, देखो 16 को कितने भागों में बांटना है, दो भागों में। इसके हल में देखो, माना कि बड़ा भाग, बड़े भाग को हम यहां x मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं x, छोटा भाग क्या हो जाएगा, फिर 16 की हम बात कर रहे हैं, 16 में से जैसे मान लो एक भाग 7 है, ये 16 के दो भाग जैसे मान लिया एक भाग 7 है, 16 में से 7 को घटाए तो दूसरा भाग क्या आएगा, 9 आ जाएगा। इस प्रकार से 16 के तो दो भाग बन रहे हैं, इसलिए जो छोटा भाग है वो कितना बढ़ेगा, 16 में से x को घटा दो, छोटा भाग बराबर 16 माइनस एक्स, ये दो भाग बन गए। बड़े भाग को क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया, छोटे भाग को क्या मान लिया हमने, 16 माइनस एक्स, क्योंकि हम 16 के दो भाग कर रहे हैं। अब प्रश्न के अनुसार हम चले, प्रश्न के अनुसार या समस्या के अनुसार, प्रश्न के अनुसार देखो इस लैंग्वेज को हम यहां सेट करके लिखेंगे समीकरण के रूप में। जो ये वाक्य है पूरा, इस वाक्य को आपको एक समीकरण रूप में बदलना है। समीकरण रूप में देखो बदले तो बड़े भाग के वर्ग का दुगुना, तो यहां पर क्या लेंगे बड़ा भाग, और बड़े भाग का क्या कर देंगे वर्ग कर दिया, ये वर्ग हो गया बड़े भाग का वर्ग। फिर क्या करना है इसका दुगुना, दुगुना का मतलब क्या हो गया, 2 से गुणा कर दो, 2 times, यानी 2 से गुणा कर दिया, बराबर किसके होगा छोटे भाग के वर्ग से। अब छोटा भाग है उसका वर्ग करो, यानी छोटा भाग, छोटे भाग का क्या करना है हमारे को वर्ग करना है, ये वर्ग कर दिया। फिर वर्ग से भी कितना ज्यादा है, 164 ज्यादा है, ज्यादा का मतलब प्लस 164, ये हमारे पास क्या हो गया वाक्य के अंदर, इसको हमने सेट कर दिया। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार और देख लो, क्वेश्चन में देखो क्या है कि बड़े भाग के वर्ग का दुगुना, तो ये हमारे पास बड़ा भाग है आ गया वर्ग, और बड़े भाग का वर्ग कर दिया, फिर वर्ग का क्या करना है आपको दुगुना, तो ये दुगुना कर दिया, 2 से गुणा कर दिया इसको, ये बराबर किसके हो गया छोटे भाग के वर्ग से, छोटे भाग का वर्ग कर दिया। फिर छोटे भाग के वर्ग में भी कितना हमने जोड़ दिया, 164 जोड़ दिया। तो ये हमारे पास प्रश्न के अनुसार हमने जो वाक्य था लैंग्वेज थी, तो उसको समीकरण के रूप में यहाँ पे व्यक्त कर लिया। अब आगे जो हमने मान लिया वो भाग यहाँ सेट कर दो, 2 गुना बड़े भाग, तो बड़ा भाग कौन सा है एक्स, एक्स का स्क्वायर, छोटा भाग 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 164, या फिर 2 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2x2। अब इसको सर्वसमिका से गुणा पड़ेगा, सर्वसमिका से कौन सी काम में लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग इसको खोलेंगे। तो पहले देखिए इसको तो मान लेते a और इसको मानते हैं b, तो यहां पर लेंगे a का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर माइनस 2a का मान 16, b का मान x प्लस b का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस अगले डिजिट 164, कोई प्रॉब्लम इसमें, या फिर 2x स्क्वायर 16 का स्क्वायर करेंगे 256, 16 को 2 से गुणा कर दो 32, 32 को x से गुणा कर दो तो 32x प्लस x स्क्वायर
और प्लस 164। अब 256 में 164 को जोड़ दो, दोनों ही जोड़ की ना संख्या है यहाँ धनात्मक है तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी। 256 प्लस 164 10, 11 एक 12, 3 एक 420। 2x स्क्वायर बराबर 420 माइनस 32x प्लस x स्क्वायर। अब इन सब का इधर पक्षांतर हम कर देंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाएगा, द्विघात समीकरण प्राप्त हो सकता है हमारे यहां से। इनका पक्षांतर करने के बाद क्या आ जाएगा, द्विघात समीकरण हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। या फिर 2x स्क्वायर इस x स्क्वायर का करेंगे पक्षांतर, प्लस का है तो माइनस में ये आ जाएगा x स्क्वायर। माइनस के 32x है ये प्लस में 32x में बदल जाएगा, और प्लस के 420 है तो ये माइनस के 420 में बदल जाएगा। अब 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को बाकी निकाल दो, कितने x स्क्वायर बचेंगे, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को बाकी निकालने पर 1x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। प्लस 32x और माइनस 420 बराबर 0। और अब आगे इसको या तो आप गुणनखंड विधि से कर सकते हो या फिर पूर्णवर्ग गुणा के कर सकते हो, या द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक और विधि थी श्रीधराचार्य की विधि, उस विधि से भी हम इसको सब आगे हल कर सकते हैं। लेकिन इन सब में से सिंपल कौन सी रहती है, गुणनखंड विधि। तो आपको 420 के 420 है ना संख्या माइनस में, इसके दो भाग करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर तो कितना आए 32 आए, या तो जोड़ने पर आ सकते हैं या फिर घटाने पर आ सकते हैं, और गुणा करने पर 420 आए। तो देखो इसके दो टुकड़े 42 और 10 हो सकते हैं, तो प्लस के तो कितने देंगे 42, माइनस के ले लेंगे 10, x है साथ में के आगे x लगा देंगे, इसके दो टुकड़े क्या बढ़ेंगे गुणनखंड 42x प्लस का और माइनस के 10x, तो ये दो उसके गुणनखंड हम कर देंगे। या x स्क्वायर प्लस के 42x माइनस के 10x माइनस के 420 बराबर 0। अब यहां पर वही समूहीकरण की प्रक्रिया, इसमें क्या यूज करेंगे अब समूहीकरण की प्रक्रिया, इन दोनों पदों में से कॉमन देखते हैं तो कॉमन क्या आएगा, यहां पर हमारे पास x आ जाएगा इसमें कॉमन। देखो x स्क्वायर और x में कॉमन लेते हैं तो x, x का भाग x स्क्वायर में देंगे तो x, प्लस x का भाग 42x में देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 42, माइनस इनमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 10 का भाग देंगे तो x, माइनस का भाग माइनस में देंगे तो प्लस ये 42 बराबर 0। एक बार तो क्या आ गया x प्लस 42 कॉमन इनमें, और सेकंड क्या आ गया x माइनस 10 बराबर 0। एक बार तो x प्लस 42 के बराबर 0 मान के चलते हैं तो x के बराबर क्या आ जाएगा माइनस 42, यानी कि x की नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है, कि x का मान ऋणात्मक पद में हम व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि 16 के दो भाग करें तो माइनस में भाग नहीं होगा, इसलिए x का मान माइनस के 42 नहीं होगा। अब सेकंड लेते हैं या फिर ये बात आप ले सकते हो x माइनस 10 बराबर 0, तो x के बराबर माइनस 10 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 10 में आ जाएगा, तो x का मान आपके पास कितना आ गया 10 आ गया। और देखो x हमने किसको माना था बड़ा भाग, तो यह क्या लिखेंगे कहते हैं बड़ा भाग बराबर x, x बराबर कितना आ गया 10, और छोटा भाग क्या था 16 माइनस x, तो 16 में से x का मान कितना आया 10, तो 10 को हम बाकी निकाल देंगे, तो 16 में से 10 को घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 6। तो देखो इसके दो भाग बन गए 10 और 6, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, 10 को 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर यहां पर हम चेक कर सकते हैं, मान लेते हैं 2 गुना बड़े भाग का वर्ग है तो 2 गुना बड़ा भाग 10 है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 100 को 2 से गुणा किया तो 200, छोटे भाग का वर्ग 36 में कितना जोड़ेंगे 164 तो कितना आ जाएगा वो भी 200, दोनों पक्ष हमारे पास बराबर है। इस प्रकार के किस्मों के आंसर आते हैं, उसके बाद अगेन चेक करके हम पता कर सकते हैं कि हमारे आंसर सही है या गलत है। फिर
फिर भी देखो आपको कोई डाउट हो, कोई प्रश्नों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर हमारे को ये क्वेश्चन बताना है, तो आपका स्वागत है, आप पूछिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5 का क्वेश्चन नंबर 500 का। देखो क्वेश्चन नंबर 500 को पढ़ो एक बार। क्वेश्चन में यदि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर जीरो के मूल, जीरो के मूल वास्तविक है बराबर। क्वेश्चन में देखो आपको शर्त कौन सी आ रही है, इसके मूल बराबर हो वास्तविक है, तो सिद्ध कीजिए कि 2b के बराबर a प्लस सी होगा। तो सबसे पहले देखो द्विघात समीकरण, इसके हल में द्विघात समीकरण हमारे पास कौन सा है, द्विघात समीकरण b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर जीरो के मूल बराबर है वास्तविक है। तो सबसे पहले इसको हम तुलना करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के साथ तुलना करने पर। तुलना करने पर इसकी तुलना करते हैं किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ तुलना करने पर हम पाते हैं कि ए का मान कितना जाएगा आपके पास, ए बराबर बी माइनस सी, ए का मान आ गया बी माइनस सी। फिर बी का मान हमारे पास कितना आएगा, बी की जगह एक्स का गुणा सी माइनस ए, सी माइनस ए वह सी का मान ए माइनस बी, ये माना जाता है, इसके साथ हम इसकी तुलना करते हैं। अब इसके बाद शर्त देखो कौन सी, इसके मूल बराबर है वास्तविक है, दोनों मूल बराबर है वास्तविक है, बराबर है वास्तविक है, अतः यहां से क्या लिख सकते हैं, दोनों मूल बराबर है वास्तविक है। कल वाले वीडियो में भी था ही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो का प्रयोग हम यहां करेंगे। बी का मान देखो, बी का मान हमारे पास कितना है इसकी तुलना करने के बाद, सी माइनस ए, सी माइनस ए बी पर स्क्वायर है तो इस पद पर भी क्या आएगा स्क्वायर, माइनस चार ए का मान बी माइनस सी और ब्रैकेट सी का मान ए माइनस बी बराबर जीरो। या फिर इसको सर्वसमीकरण के अनुसार खोलेंगे, कौन सी सर्वसमीकरण यहां पर काम करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसके अनुसार इसको आप इसका विस्तृत रूप हम लिखेंगे। तो सी स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस चार, पहले इन दोनों को इंप्रूव करते हैं ब्रैकेट में, ए माइनस बी को किससे गुणा करना है, बी माइनस सी से इसको गुणा करना है, बी को इससे गुणा करेंगे तो ए बी, बी को बी से इंटू करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, ए बी से गुणा हुए दोनों पर, अब इसको सी से गुणा करो, सी को इससे इंटू करेंगे तो माइनस के ए सी, माइनस ए सी, सी को बी से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के बी सी, यह आ जाएगा इसका गुणनफल। एक बार वो देख लीजिए, b को a से इंटू किया ए बी, बी को b से इंटू करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, बी को b से इंटू कर दिया, अब c को a से इंटू करेंगे तो ए सी और माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस और b को c से गुणा करने पर बी सी। अब ये मान यहां रख देते हैं ब्रैकेट में, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी बराबर में क्या चल रहा है इसमें जीरो। अब आगे चार है जो कोष्टक से पहले है, तो चार इन सभी पदों से गुणा हो जाएंगे और कोष्टक से पहले यदि माइनस का चिन्ह है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का है वो प्लस में, प्लस का है वो माइनस में,
चिन्ह चेंज करते हुए चलेंगे। इन बात का ध्यान रखना, c स्क्वायर माइनस 2ac ये पद ऐसा कैसे लिखा जाएगा, माइनस 4 को ab से गुणा किया 4ab, माइनस माइनस को गुणा किया प्लस, 4 को b स्क्वायर से 4b स्क्वायर, और 4 को ac से इनटू करेंगे तो प्लस के 4ac, और माइनस 4 को से इनटू करने पर माइनस के 4 bc बराबर 0। अब इसको सही क्रम में सेट करेंगे, यानी ये पूरा देखो इस फॉर्म में दिख रहा है हमारे को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इक्वल टू क्या बनती है, सरल समीकरण के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बराबर में a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर आ जाएगा। इस सर्व समीकरण के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। पहले हमारे को कौन से पद लेने हैं इसके अंदर, जो भी वर्ग वाले पद हैं स्क्वायर वाले पद हैं उनको लेना है। तो याद रखा कि पहले कौन सा पद आएगा, a स्क्वायर, फिर आएगा b स्क्वायर वाला पद, तो b है 4b प्लस c स्क्वायर का पद, फिर कौन सा आएगा ab वाला पद, तो ab ab वाले में देखो 4ab और कोई पद नहीं है ab का, तो माइनस के 4ab, फिर आएगा ab के बाद BC वाले पद, तो माइनस के 4BC, फिर लेंगे AC वाले पद, तो प्लस के 4AC में से 2AC को लेस कर दो, सजातीय पद हो गए, एक जैसे पद हो गए, 4AC में से क्या करेंगे 2AC को घटा देंगे, तो 4AC में से 2AC को घटाएंगे तो प्लस के 2AC बराबर में 0। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म लेंगे, संक्षिप्त रूप लेंगे, या फिर यहां से a का होल स्क्वायर, 4b को क्या लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, c का स्क्वायर, यहां प्लस का चिन्ह में यूज कर रहा हूं, माइनस का चिन्ह बाद में यूज करेंगे, तो 4ab को किस रूप में लिखेंगे 2ab के रूप में, 2a का मान कितना है a, b का मान 2b, अभी यहां साइन का नहीं यूज किया है, साइन बाद में यूज कर लेंगे एक साथ, प्लस 4bc को कैसे लिखेंगे 2 ब्रैकेट b का मान 2b, c का मान c, 2bc प्लस 2ac, तो 2a एंड c into इक्वल टू 0। अब यहां पर आपको देखो सारे पद मैंने यहां प्लस में ले लिए, सारे पद यहां क्या ले लिए मैंने प्लस में ले लिए, अब यहां पर कौन सा पद माइनस का होगा, कौन सा पद इसमें माइनस का होगा ये पता लगाना, ये पता लगाने के लिए आपको इन दो पदों में चलना पड़ेगा जिन पे माइनस का चिन्ह प्रयोग हुआ, तो इन दोनों पदों में देखो कॉमन पद कौन सा आ रहा है, कौन सा पद यहां कॉमन है, बी वाला पद, कौन सा पद इनमें कॉमन है आपके पास, बी वाला, इसलिए जो भी यहां पर माइनस जो बी का पद है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, एक तो माइनस के 2b, जहां पर बी का पद है वो माइनस कर लो, माइनस 2b और माइनस 2b। अब इसको देखते हैं दोबारा एक बार, एक का स्क्वायर प्लस में है और माइनस 2b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस के 4b स्क्वायर, c स्क्वायर अपनी जगह है, अब प्लस के 2a को 2b से इनटू करेंगे तो माइनस के 4ab आ जाएंगे, और माइनस के 2b को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4bc बन जाएंगे, 2ac है। अब आपको इसका शॉर्ट रूप लेना है, शॉर्ट रूप लेना है इसकी तरह, इस सर्व समीकरण में a प्लस b प्लस c यानी abc का होल स्क्वायर बना था, तो वैसे इसके अंदर a फिर माइनस के 2b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 0। इसके बाद दोनों पक्षों का क्या लेंगे हम, वर्गमूल, स्क्वायर को हटाने के लिए आपको यह क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल, a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर है 0, यानी दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, और इसका वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल लेने पर आपके पास ये स्क्वायर का चिन्ह हट जाएगा, a माइनस 2b प्लस c बराबर 0, प्लस माइनस 0 आएगा तो 0 से पहले कभी भी प्लस माइनस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, या फिर अब 2b का एक पक्ष शामिल कर दो आप, तो आपके पास क्या बच रहा है, a प्लस c बराबर 2b, और यह फिर इसको सही सेट कर दो, जैसा हमारे को सिद्ध करना है उसी फॉर्म में इसको लिख दो, 2b बराबर a प्लस c, इति सिद्धम्, यही हमारे को सिद्ध करना था।
ओके, इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस आपको करनी है, अभ्यास करना है इन क्वेश्चनों का। अब 3 और 6 का क्वेश्चन नंबर 4 जो हम इंपोर्टेंट श्रेणी में देते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आने की संभावना है। और ये वीडियो बच्चों के लिए है जो 10th क्लास से एग्जाम अब देंगे, जिनकी कोरोना वायरस के कारण एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई थी मार्च के महीने में, उनके एग्जाम जो आगामी आदेश तक रोक दी गई है, उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन है ताकि वो अपनी स्टडी जारी रख सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको ध्यान से देखिए। 2 व्यंजकों का गुणनफल है, 2 व्यंजकों का गुणनफल x-7 (x²) + 8x + 12 है। फिर है कि यदि इन व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक यानी LCM, क्वेश्चन में कितना आपके पास x+6 है, तो इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो इसके हल में देखो, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है, एक तो व्यंजकों का गुणनफल, व्यंजकों का गुणनफल और ये आपके पास है x-7 (x²) + 8x + 12। वह सेकंड नंबर पे आपको क्या दे रखा है, LCM है x+6। LCM कितना आपके पास x+6। तो सबसे पहले तो आपको इसकी गुणनखंड करनी है, क्या करनी है, इसके गुणनखंड कर सकते हैं आगे, तो आगे देखो गुणनखंड करते हैं इसके, तो पहले पद को तीसरे पद से गुणा करेंगे तो 12x² आ जाएगा। अब 8x की क्या टुकड़े करें, जिनको जोड़ने पर या घटाने पर तो कितना है 8x आए, गुणा करने पर कितना है आपके पास 12x² आए, तो 8x के दो इसके पार्ट क्या बनेंगे 6x और +2x, 6 को 2 से गुणा किया 12, 6 को 2 में जोड़ा तो कितना आ गया 8x +x² इधर से +1 12, बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं, x-7 ये 7 ही इसके चलेगा, इनमें से कॉमन ले लो, समूहीकरण की प्रक्रिया, तो इन दोनों को 2 में से कॉमन लिया, विलिष्ट क्या आ गया x का भाग देंगे तो x+6, इन दोनों को 2 में कॉमन लेंगे तो +3 2 x+6, दोबारा देखो इनमें कॉमन x-7 (x+6) आ गया कॉमन, इनमें बच रहे क्या यहां से x+2, तो ये क्या आ गया आपके पास व्यंजकों का गुणनफल। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि अब आपके पास एक सूत्र है LCM, यानी LCM और SCM का गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, व्यंजकों के गुणनफल के बराबर होगा, व्यंजकों का गुणनफल। इस सूत्र का हम यहां प्रयोग करेंगे, उपयोग में लेंगे। SCM क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वो कितना है x+6 (x+6) × LCM बराबर व्यंजकों का गुणनफल ये था, तो इसके भी हमने क्या कर लिया, गुणनखंड कर दिया, हमारे पास क्या आ गया x-7 (x+6) × x+2। अब दोनों पक्षों में देखो गुणनफल के रूप में क्या है x+6 (x+6) एक दूसरे को निरस्त कर दिए, तो क्या आ गया LCM के बराबर x-7 × x+2। अब इनका गुणनफल कर लीजिए कि x के दोनों को 2 से गुणा कर लो x + 2, फिर -7 को भी दोनों को 2 से गुणा कर लो -7 (x+2), x को x से करेंगे गुणा करेंगे तो x² x को 2 से गुणा करेंगे तो +2x, माइनस के 7 को x से गुणा करेंगे -7x, माइनस के 7 को 2 से तो -14, तो x² 7x में से 2x को घटा देंगे तो -5x और -14, तो ये आ जाएगा केस का LCM। तो लास्ट में आता है LCM बराबर x² - 5x - 14, ये आ जाएगा LCM। एक बार और देखते हैं, तो आपको उस समय क्या क्या दिया हुआ था उस बात पे आप जान लो, उस समय आपके पास व्यंजकों का
गुणनफल x माइनस सात x स्क्वायर प्लस आठ x प्लस 12। तो सबसे पहले हमने इसको क्या कर लिया, गुणनखंड विधि के द्वारा इसके गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिए। तो इसके दो टुकड़े कर लिए 6x और 2x। इन दोनों पदों में से हमने कॉमन लिया समीकरण की प्रक्रिया से, तो यहाँ कॉमन क्या आ गया x, x का वर्ग देंगे x स्क्वायर में तो कितना आएगा x, प्लस x से x कैंसिल होके प्लस का 6। इन दोनों में कॉमन लिया तो प्लस के 2, और 2 का वर्ग 2x में देंगे तो x, 2 का वर्ग 12 में दिया तो 6। वापस से यहाँ कॉमन लेते हैं तो x प्लस 6 और x प्लस 2 और x माइनस 7 इसके साथ साथ चल रहा है। फिर एससीएफ कितना हमारे पास x प्लस 6। फिर आके हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि हमारे पास ये सूत्र है, इसमें सूत्र क्या है एससीएफ गुणा एलसीएम और बराबर क्या होगा व्यंजकों का गुणनफल। एससीएफ का मान है x प्लस 6 और एलसीएम और बराबर में व्यंजकों का गुणनफल x माइनस 7 x प्लस 6 x प्लस 2। तो देखो दोनों ही साइड x प्लस 6 गुणा में है, तो हम बोथ साइड यानी कि दोनों साइड हम इसको काट सकते हैं। x प्लस 6 से x प्लस 6 कट गया, यहां से क्या आ गया एलसीएम x माइनस 7 को x प्लस 2 से गुणा कर देंगे। पहले तो x को इन दोनों पदों से गुणा करेंगे, तो x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x, माइनस के 7 को x से गुणा करेंगे तो माइनस के 7x, माइनस के 7 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 14। फिर देखते हैं सजातीय पदियां, 7x में से 2x को घटाएंगे तो माइनस के 5x और माइनस के 14। तो अतः एलसीएम बराबर क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम इसका आ जाएगा क्वेश्चन का। और इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करते हैं।